साल भर पहले एक मूवी आई थी द कश्मीरी फाइल्स, जिसने आते के चंद दिनों बाद ही अपना काम करना शुरू कर दिया था। लोग हैरान थे कि 15 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म इतना कैसे कमा रही है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर ये मूवी बनी थी और इसे योगी सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया। चलो ठीक है, कुछ दिन बाद एक और मूवी आती है अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज, और ये मूवी एक डिजास्टर साबित हुई थी, लेकिन इसे भी योगी सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया था। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद एक और मूवी आती है द केरला स्टोरी, इसने भी अच्छी खासी कमाई की और इसे भी यूपी सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया। मतलब कोई और सरकार करे ना करे, लेकिन योगी सरकार पहले कर देती है। इन सब चीज में तो आगे है, लेकिन मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब जो मूवी आ रही है गदर 2, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट ही हिंदुस्तान पाकिस्तान पे आधारित है, तो इसे भी तो टैक्स फ्री करो ना, ये तो चीटिंग है ना। मतलब लूट मची पड़ी है, 400 से कम की तो टिकट है ही नहीं। हम मिडिल क्लास लोग, जो कि मिडिल में भी लोअर क्लास में आते हैं, उनके लिए 400 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। चलो ठीक है, मान लिया गदर 2 को आप टैक्स फ्री नहीं कर सकते, लेकिन OMG 2 को तो करो। आपने कश्मीरी फाइल्स, केरला स्टोरी, सम्राट पृथ्वीराज को इसलिए टैक्स फ्री किया था ना कि वो रियल इंसिडेंट या फिर महावीर की गाथा को लोगों तक पहुंचा रही थी, एक सोशल मैसेज दे रही थी। तो OMG 2 भी तो यही करने वाली है, इसे भी तो टैक्स फ्री करो, क्यों नहीं कर रहे हो। मान लो एक लेबर है जिसकी दिहाड़ी 500 रुपए है, तो वो तो गया ना, 100 रुपए उसके आने जाने का किराया और 400 की टिकट, कॉम्बो लेने के लिए तो उसको लोन लेना पड़ जाएगा। मेरी बस यही गुजारिश है कि इतना भी महंगा मत करो कि लोग परेशान हो जाए। इसलिए आप भी ट्विटर पे ट्रेंड कर दो #गदर2 टैक्स फ्री या #OMG2 टैक्स फ्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यही कहना था, धन्यवाद, जय हिंद।